कई हजारों वर्षों से यह 7 महापुरुष हैं जीवित, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है ये 7 महापुरुषों के बारे में, जिन्हें अमृता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वह अमर हैं और सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में भी जीवित हैं, और वे अष्ट सिद्धियां और अनेक शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महापुरुष किसी न किसी वचन, नियम, श्राप से बंधे हुए हैं, और हम मनुष्यों की ही भांति मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस कलयुग में आज भी जीवित हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उन्हीं 7 महापुरुषों के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 7 दिव्य महापुरुषों के बारे में। तो इन महापुरुषों में सबसे पहले चिरंजीवी हैं रुद्र रूप श्री राम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह है हिंदू धर्म के महाबली राम भक्त हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी थे। यह तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः कल्कि अवतार में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए हनुमान जी को वचनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वह पुनः शिव में समा जाएंगे। अगर आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी मुक्ति के लिए इस धरती पर भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मध्य प्रदेश के असीढ़गढ़ किले में भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने हर दिन आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं भगवान परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखाई दिए थे, और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी होंगे, जो कि भगवान परशुराम इस समय महेंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चौथे चिरंजीवी हैं लंकाधिपति रावण के भाई विभीषण, जो कि रावण के मरने के बाद लंका के राजा बने थे। राजा विभीषण श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने राम जी से शत्रुता न करने के लिए रावण को बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लात मार कर लंका से बाहर निकाल दिया था। तब विभीषण जी राम जी की शरण में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया था। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। तो 5वें महापुरुष हैं ऋषि व्यास जी।
ऋषि व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, 18 पुराण और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने कल्कि अवतार से पहले भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो छठवें महापुरुष चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो अपने 3 पग भूमि ले सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रकट किया और 2 पगों में ही 3 लोक नाप लिए और 3रा पग राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं। तो 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गिनती सप्त ऋषियों में की जाती है। वह उन 18 महान योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, यह थे 7 दिव्य चिरंजीवी महापुरुष जो किसी ना किसी श्राप, नियम, वचन से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन 7 चिरंजीवी महापुरुषों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।